नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र में आज कैबिनेट की पहली मीटिंग होगी। कैबिनेट का विस्तार होने के बाद आज बैठक है। दोपहर 3 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में नए मंत्री शामिल होंगे। विभागों के बंटवारे पर मंथन होगा, तो विभागों के बंटवारे को लेकर मंथन होगा। और आज आपको बता दें कि कैबिनेट की मीटिंग होगी। कैबिनेट विस्तार के बाद आज कैबिनेट की मीटिंग है और इसमें विभागों का बंटवारा होगा कि कौन सा विभाग किसे दिया जाना है। तो बहुत ही अहम चीज़, किस नेता के बेड़े में कौन सा मंत्रालय आएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको बता दें कि लगभग 39 दिन बाद जब एकनाथ शिंदे ने शपथ ली, उसके बाद जाकर कैबिनेट का विस्तार हुआ, मंत्रियों ने शपथ ली। और अब ये देखना होगा कि आखिर किसके हिस्से में कौन सा मंत्रालय आता है। तो कैबिनेट की आज मीटिंग है। कैबिनेट की बैठक में कई सारी चीजों को लेकर चर्चा होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि 3 बजे कैबिनेट की बैठक होगी और इसमें विभागों का बंटवारा होगा, नए मंत्री भी शामिल किए गए हैं। तो ऐसे में नए आइडिया के साथ और नए मुद्दों के साथ कहा जा सकता है कि कैबिनेट में चर्चा होगी। शुभम पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, 3 बजे की कैबिनेट की मीटिंग में आज सबसे महत्वपूर्ण काम होना है, विभागों का बंटवारा होना है, और ऐसे में किसके बेड़े में कौन सा विभाग आएगा, ये देखने वाली बात होगी। देखिए बिल्कुल अंशिका जी, जिस तरीके से मंगलवार के दिन महाराष्ट्र सरकार ने अपने कैबिनेट मंत्रिमंडल का विस्तार किया, 18 नए मंत्रियों ने शपथ ली, 9 शिंदे गुट के थे, 9 बीजेपी के, और आज पहली बार ये 18 मंत्री भी कैबिनेट की मीटिंग में शामिल हो गए। अब तक जो कैबिनेट की मीटिंग होती थी हर हफ्ते, उसमें से मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री शामिल हुआ करते थे, लेकिन क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ था, लेकिन अब पहली बार ऐसा होगा कि 18 मंत्री जो है वो शपथ दे चुके हैं और आज मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे, जहां पर उन्हें समझाया जाएगा कौन सा मंत्रालय कौन सा विभाग आपके अंडर में आता है। देखिए पहले से ही बंटवारा हो चुका है कि कौन सा विभाग कौन सी मंत्री को जाएगा, किस पार्टी के खाते में आएगा। जैसे गृह मंत्रालय की बात करें वो बीजेपी के पास है, तो देवेंद्र फडणवीस अपने पास रखेंगे। अगर नगर विकास की बात करें तो एकनाथ शिंदे अपने पास रखेंगे। ऊर्जा विभाग की बात करें तो वो बीजेपी अपने पास रखेंगे। महसूल डिपार्टमेंट की बात करें तो शिंदे गुट को दिया गया। ऐसे अन्य तमाम जो विभागों का बंटवारा है वो आज मंत्रियों को सौंपा जाएगा और कुछ अहम महत्वपूर्ण फैसले जो है आज सरकार भी ले सकती है, क्योंकि अब तक एक महीने से ज्यादा का समय बीत चुका था। सरकार ने कई बड़े अहम फैसले लिए हैं, जैसे पाबंदियों को हटाने की बात करें या शहरों के नाम बदलने को लेकर, तो आज भी कुछ बड़े फैसले जो है लिए जा सकते हैं। हालांकि जिस तरीके से अभी ये सिर्फ 18 मंत्री हैं, कुछ दिन बाद और मंत्रियों का जो है शपथ ग्रहण हो सकता है, क्योंकि 36 से ज्यादा मंत्री जो है महाराष्ट्र में होते हैं, अभी फिलहाल 18 ही हुए हैं। तो जिस तरीके से देखा जाए कि आज की जो कैबिनेट की मीटिंग है बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बिल्कुल, देखिए शिंदे गुट की अगर बात करें और बीजेपी की बात करें तो 9-9 मंत्री बनाए गए हैं, और ऐसे में कौन सा मंत्रालय किसके हिस्से में आएगा, अभी इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के 39 दिन बाद कैबिनेट का विस्तार हुआ है और कई नए चेहरों को इसमें शामिल किया गया है। शुभम, तो क्या कहा जा सकता है कि कुछ नए मुद्दे भी कैबिनेट की मीटिंग में निकलेंगे? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से 28 साल के अंदर महाराष्ट्र देश के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि 3 मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली, दूसरी बार मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, और जिस तरीके से 28 साल में सरकार पलट गई, कुछ मीटिंग जो आज की जो मीटिंग होगी उसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं, क्योंकि नई सरकार है, ये सरकार जो आई है हिंदुत्व के मुद्दे पे आई है, पुराने सरकार के कामकाजों को गिनाएगी। जिस तरह से कल हमने कुछ मंत्रियों से बातचीत की, उनका साफ तौर पर कहना है कि 28 साल में जो महाराष्ट्र का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करेंगे। देखिए यहाँ पर भी चौंका देने वाली बात है, शिवसेना के मंत्री कह रहे हैं कि 2.5 साल का नुकसान हुआ, क्योंकि वो खुद सरकार के मंत्री थे, उद्धव ठाकरे उसके मुखिया थे, अब एकनाथ शिंदे उसके मुखिया हो गए हैं, 2.5 साल में जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई 2.5 साल में करेंगे। महाराष्ट्र की जनता के लिए, महाराष्ट्र राज्य के लिए और प्रदेश के लिए, प्रदेश के कार्यों के लिए आज की महत्वपूर्ण मीटिंग जो है ये मानी जा रही है। कुछ फैसले जो है वो सरकार की तरफ से दिया जा रहा है और 3 बजे ये मुंबई के मंत्रालय है वहां पर ये मीटिंग होने वाली है। चलिए ठीक है शुभम, आप नज़र बनाए रखिएगा, बाद में भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।